ये दीपावली के लिए इस बार बहुत ही विस्तृत तैयारी है, और जो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस बार सरकार ने भी इसको एक अपना बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है और इसमें एक बड़ी धनराशि इसके लिए हम लोग को दी है, और जिसमें हम लोग एक बहुत बड़ा लेज़र शो, एक सुंदर आतिशबाजी, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूरे घाट की दोनों तरफ साज सजावट और बहुत सारे ऐसी चीज़ें करा रहे हैं, और इसमें जितने भी हमारे समितियां हैं घाट के अलॉन्ग, उनको भी हम लोग इस बार जो ऐसी समितियां हैं जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है, उन लोग को हम लोग आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं, और पूरे शहर का एक उसको पूरा जगमगा दिया गया है, और हम लोग इस बार एक बहुत वृहद रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग बनाने जा रहे हैं। सर, पहली बार वाराणसी में लेजर शो होने जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह की? इसमें ने ऐसा कहा कि इस बार एक सरकार की मंशा थी कि देव दीपावली को एक काशी का एक ऐसे भी देव दीपावली का काफ़ी महत्ता पूरे बढ़ गई है और काफ़ी पर्यटक यहाँ पे केवल देव दीपावली के दिन आते हैं, तो एक इसको ऐसा ब्रांड हम लोग पूरा काशी का बनाने का कि न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटक भी इसकी ओर और आकर्षित हों और यहाँ को हम लोग लॉन्ग टर्म में पर्यटन को बढ़ावा दे सकें, इसलिए देव दीपावली को एक वृहद रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में इस लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो थीम भी होगा वो यहाँ की काशी की थीम होगी, जिसका लोग करीब करीब 45 मिनट का ये कार्यक्रम तीन चरणों में कराया जाएगा, 15-15 मिनट को चरणों में, और मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी काशी वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि ये आके राजघाट में ये कार्यक्रम होगा। राजघाट में न सिर्फ लेजर शो बल्कि एक बहुत सुंदर आतिशबाजी और एक अच्छा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई उसमें काशी की भी छवि होगी, कुछ बाहर की छवि भी होगी, और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम लोग कराने जा रहे हैं। हनुमान यादव, गंगा सेवा निधि ट्रस्ट सचिव। सर, देव दीपावली की समय क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, घाटों को किस तरीके से सजाया जा रहा है? देखिए, जो घाट टूटा फूटा रंग रोगन के साथ साथ सारे बाढ़ के समय सब हट जाता है, सब नया फिर से लग रहा है, और हम लोग 23 नवंबर की तैयारी जोर शोरों से कर रहे हैं, और इस बार का देव दीपावली ऐतिहासिक देव दीपावली होगा, हम लोग इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या कुछ अलग तरीके की तैयारियां भी की गई हैं इसको लेकर के? मुख्यमंत्री जी के आने पर भी उनके लिए अलग से तैयारी करते हैं, हम लोग करेंगे भी, और इस तरह भी देव दीपावली का एक अपना अलग ही महत्व। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अलग तरीके से दशाश्वमेध घाट पर दिए लगाए जाएंगे, कुछ और तैयारियां? ये हर साल होता है, हर घाटों से अलग दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ही देव दीपावली की शुरुआत है, यहीं से देव दीपावली का महत्व हुआ है। शहीदों को श्रद्धांजलि? बिल्कुल, शहीदों की श्रद्धांजलि भी दी।